स्टेप नंबर टू क्या था कि हमने कहा अब हम उस डेटा को यूज करते हुए अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। उस एस्टिमेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन मेथड और दूसरा है मूवमेंट्स मेथड, मेथड ऑफ मूवमेंट्स। सो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर। लेकिन इस मेथड को पढ़ने से पहले हमने ये कहा कि वी शुड बी मेक श्योर दैट कि वो जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो एफिशिएंट होना चाहिए। सो उसको हमने कैसे चेक करना है वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? ओके, अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, अब हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। कि अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके हमने अगर ये कह दिया कि इस पर्टिकुलर डेटा का के ऊपर जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी नो दैट कि उसका पैरामीटर होता है लैम्डा, सो हाउ वी विल कंप्यूट आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है दैट इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर। अब मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर वो क्या कहता है, वो कहता है ये है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन की हर वैल्यू को, मतलब यहाँ पे क्या है थीटा जो है दैट इज द पैरामीटर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो फंक्शन लाइकलीहुड फंक्शन लिख रहा हूँ वो सिंगल पैरामीटर, सिंगल अननोन पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। सो एल थीटा इज अ लाइकलीहुड फंक्शन और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर विच इज थीटा, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन जो है दीज आर द वैल्यूज फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आप हर वैल्यू को अपनी उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करो और फिर क्या करो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट? राइट, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइकलीहुड फंक्शन, ठीक है। अब हमने इसको जब मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यही जो मल्टीप्लिकेशन है ये किसके बराबर हो जाएगी कि अगर हम दोनों तरफ ले लें नेचुरल लॉग मीन लॉग ले ले तो एल एन एल थीटा, ठीक है, और हम इधर भी एल एन ले लेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे इनको करेंगे डिफरेंशिएट। सो बेसिकली हमने क्या करना है अपने इस लाइकलीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो वो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर और उसको इज इक्वल टू जीरो पुट करते हुए हम क्या करेंगे उस पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। और स्टेप नंबर टू पे हमें क्या करना है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे और अगर वो लेस देन जीरो है तो इट मीन पैरामीटर की उस वैल्यू के ऊपर जो है वो आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है, यही होता है ना, राइट सर? एक क्वेश्चन था। जी 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 पूछे सर, ये सफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मस्ट लेने मतलब? बिल्कुल, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मेक श्योर करेगा कि क्या वाकई ही वो मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम कन्वेक्सिटी या कनकेविटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि क्या ये जो वैल्यू है वो आपको ग्लोबल मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है या लोकल मैक्सिमम। सो सफिशिएंट कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है इट मीन्स कि आपका उस वैल्यू के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इट मीन उस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू आपका फंक्शन जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे वो आपको मैक्सिमाइज वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट? ठीक, ओके। ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्स का तो पता है ना आइडिया है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ठीक है, सो फंक्शन मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, फंक्शन मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, बट ये आप कह लें क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है तो इसको हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ओके। सो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कैलकुलेट करना हो यूजिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर तो हमें क्या करना है। सो अगेन पॉइसन का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे क्या है, म्यू हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन क्या होता है पॉइसन का अगर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ई पावर माइनस म्यू, म्यू पावर एक्स, राइट, ओवर एक्स का फैक्टोरियल,
राइट right. सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का हमने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इट मीन इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आई, राइट, एक्स आई, राइट। और इट मीन ये इनको हमने क्या करना है, एक्स आई, आई क्या है, आई वुड बी फ्रॉम 1 to n, ठीक है, आई वुड बी फ्रॉम हम लिखेंगे 1 to n। इट मीन कि हमने क्या कर दिया, पहली दफा हमने x1 पुट किया, मीन फर्स्ट वैल्यू पुट की, देन हमने सेकंड वैल्यू पुट की, देन हमने nth वैल्यू पुट की और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट राइट, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, दैट वुड बी द रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड एज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी, e पावर माइनस म्यू म्यू पावर एक्स वन, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस म्यू म्यू पावर एक्स टू ओवर एक्स टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एंड सो ऑन, इसी तरीके से e पावर माइनस म्यू और ये बन जाएगा म्यू पावर एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स एन, ठीक है। अब क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने साथ में यहाँ पे मल्टीप्लायर साइन लगा दिया, ठीक है जी, राइट, ओके। अभी हमारे पास ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब इस लाइक्लीहुड फंक्शन से हम क्या कह रहे हैं, हमने जब इसको ओपन किया इस मल्टीप्लीकेशन को, तो होगा क्या, क्योंकि e पावर माइनस म्यू क्या है, ये कांस्टेंट की सेंस में आ जाएगा, तो इट मीन e पावर माइनस म्यू n टाइम रिपीट हो रहा है, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, e पावर माइनस n म्यू हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। सो अब यहाँ पे क्या, अगेन अपर में जो पावर है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, म्यू की पावर समेशन एक्स आई और आई 1 to n हो जाएगा, राइट राइट, ठीक है। और वन और साथ में ये एज इट इज आ जाएगा 1 over मल्टीप्लाई बाय एक्स आई का फैक्टोरियल, ठीक है जी। सो दिस इज आर लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ जो है वो नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक है, एलन। सो जब हमने एलन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन म्यू नीचे आ गया और एलन ई क्या हो जाएगा, एलन ई वी नो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है, प्लस समेशन एक्स आई नीचे आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ म्यू, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन, सो माइनस वन नीचे आकर लॉग ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ दिस, ठीक है, ठीक, ओके। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू और उसको हमने जीरो के इक्वल पुट करना है। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू म्यू तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एन, क्योंकि जब हम म्यू को विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो वो वन आ जाएगा, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई इनटू 1 over म्यू, ठीक है जी, राइट सर, ठीक है, तो वो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें म्यू नहीं है तो इट मीन ये कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर होगा विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये क्या आएगा, जीरो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने उसका कोई वैल्यू नहीं आई। सो इट मीन मेरे पास आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू दिस व्हिच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, राइट। सो हमने क्या किया, इसको सिंपलीफाई कर लिया, एन इधर आ गया और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास म्यू का क्या आंसर आ गया, समेशन एक्स आई ओवर एन व्हिच इज इक्वल टू एक्स बार, एक्स बार, ओके, ठीक है। सो दैट मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर म्यू है व्हिच इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ All the values, ठीक है, right, ठीक है। So उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये sufficient condition fulfill हो रही है या नहीं। So हम इस function को again with respect to mu differentiate करेंगे, तो ये तो zero हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, minus mu पर minus mu two और into summation of x i, which is क्योंकि negative है, less than zero है, तो it means sufficient condition भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम मैक्सिमाइज हो रहा है एट व्हाट पॉइंट,
एट द पॉइंट ऑफ दिस, एट द पॉइंट ऑफ दिस, ओके राइट. ओके, अब हम इसी को एग्जांपल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था, एक पैरामीटर था, राइट. जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है पैरामीटर होते हैं दो. इट मीन अब हमें इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या वो आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, सो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया कि म्यू की जगह पे मैंने रख दिया थीटा वन और सिग्मा स्केयर की जगह पे मैंने कह दिया थीटा टू, ताकि हमें ज़रा सिंप्लीफिकेशन रहे, क्योंकि सिग्मा स्केयर के परस्पेक्टिव से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है. तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने जस्ट सिग्मा स्केयर की जगह पे कर लिया थीटा टू. सो हमें म्यू थीटा वन और थीटा टू, बेसिकली म्यू और सिग्मा स्केयर की वैल्यू को करना है, और ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है. ठीक है, थीटा टू का मतलब ये है कि यहाँ पे वेरियंस है, और थीटा वन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये म्यू के इक्विवेलेंट है. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन हमने बनाना है. सो लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक्स आई की वैल्यू को पुट करेंगे, मीन एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, और उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट द रिजल्टिंग फंक्शन इज द लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है, फ्रॉम वन टू एन, तो मेरे पास ये रिजल्टिंग आ गया. अब ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्केयर रूट ऑफ थीटा टू एंड टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन जब हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स जमा हो जाएंगी, तो पावर्स जब जमा होगी तो वो क्या आ जाएगा, थीटा की पावर माइनस एन बाय टू. ये समझ आया, हेलो जी जी सर. ठीक है, इसी तरीके से जो टू पाया है ये भी क्या आ जाएगा, माइनस एन बाय टू. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि e पावर में ये है तो यहाँ पे वन ओवर टू थीटा टू बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और समेशन कहाँ पे चला जाएगा, एक्स आई के साथ चला जाएगा. ठीक है, ठीक है, ओके. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लॉग लाइक्लीहुड बनाना है. सो लॉग लाइक्लीहुड करने के लिए दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया. जब हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये पावर नीचे आ गई लॉग ऑफ थीटा टू, और इसी तरीके से ये पावर माइनस एन बाय टू नीचे आ गई लॉग ऑफ टू पाई, और जब हम इधर लॉग लेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वन. सो वो लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी, सो दिस फंक्शन इज बेसिकली अ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, राइट. ओके, सो अब हमने थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू को निकालना है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन. सो जब हमने इसको थीटा वन के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा वन इसमें नहीं है, कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा. ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा वन इसमें नहीं है. ठीक है, ठीक है, ओके. सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो टू हमारे पास नीचे आ जाएगा, समीशन एक्स आई माइनस थीटा वन की पार क्या हो जाएगी, वन टू माइनस वन, और ये जीरो होगा, बट थीटा वन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन, राइट. राइट, सो टू टू से कैंसिल हो गया. सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट द थीटा वन इज इक्वल टू एक्स बार विच इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, सो दैट मीन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पैरामीटर म्यू है, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सैंपल मीन हम यूज कर सकते हैं, राइट. ओके, इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अब हमने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू करनी है. अगेन मैंने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को दोबारा से लिखा, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू. सो जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस एन लॉग ऑफ थीटा टू क्या जाएगा, वन ओवर थीटा टू. ठीक है, ये वाला चीज जीरो हो जाएगी, और इसी तरीके से जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू करेंगे तो ऊपर वाला तो चीज कांस्टेंट है. सो बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना है वन ओवर टू थीटा टू को. ठीक है, सो थीटा टू की पावर क्या आ जाएगी, माइनस वन, जब वो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू थीटा स्क्वेयर, यही होगा ना, राइट. ठीक है, सो वो मेरे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस. सो अब हमने क्या करना है, इसको इज इक्वल टू जीरो पुट करते हुए
सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है वो थीटा टू टू थीटा टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड के ऊपर, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ से इसको आप थीटा टू के अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर लो। सो थीटा टू किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के, और जबकि थीटा वन की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू, और जबकि म्यू किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू एक्स बार। सो वो हमने वैल्यू लिख दी। सो ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेशन आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनके पैरामीटर को हमने एस्टिमेट करना है, सो वी नीड टू कंप्यूट आउट द सिग्मा स्क्वायर, सॉरी एक्स बार एंड वेरियंस, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। सर ये प्रीवियस स्लाइड में माइनस एन बाय टू सर इसकी कौन सी स्लाइड में, ये इससे प्रीवियस सर पिछली जी इसमें जी सर, ये ऊपर सर, ये जब हम नेचर लॉग तो ये माइनस एन बाय टू सर ये किस तरह में सेकंड स्टेप इसकी बात कर रहे हो, राइट जी सर, इससे ऊपर स्टेप जो नेचर लॉग जी, ये कैसे आ गया जी सर ये, हेलो हेलो जी कौन सा स्टेप ले रहे हैं जी सर, यही स्टेप सर, इसकी बात कर रहे हैं या ये नीचे वाले की बात कर रहे हैं सर, सेकंड स्टेप ऊपर वाले की, ये इसकी बात कर रहे हैं जी सर, ओके। ये बेसिकली आया है कि जब हमने इस फंक्शन को एंड टाइम रिपीट किया, एंड टाइम रिपीट करने से क्या मतलब है, सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ थीटा टू की पावर माइनस वन बाय टू, राइट सर बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो ये थीटा टू की पावर माइनस वन बाय टू को जो है वो अगर मैं एंड टाइम आपस में मल्टीप्लाई करूँ, राइट सर, ठीक सर, ठीक है ना, तो वो पावर्स जमा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस एन बाय टू आ जाएगा, ठीक है सर।